हाय गाइस, यूट्यूब चैनल नथिंग इज़ इम्पॉसिबल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस समय कौन सी प्लांट्स को आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये कॉलियस का प्लांट है, तो आप इसकी टिप वाली 4 इंच की कटिंग लेकर के ये इस तरह से सॉफ्टवुड कटिंग लेंगे और इसे आप मिट्टी में दबा करके नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी बॉटल के अंदर या फिर नर्सरी बैग के अंदर ये छोटी छोटी प्लांटर्स में आप इस तरह से कटिंग तैयार कर सकते हैं कॉलियस की। इस वक्त सेकंड नंबर देखिए, ये मेरा जेड प्लांट है और इसी से मैंने ये कटिंग लेकर के इस डिब्बे के अंदर ये कटिंग लगाई थी, तो बहुत ही अच्छे से चल पड़ी है। तो आप जेड प्लांट को कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये एक और कटिंग मैंने कॉलियस की लगाई है और ये भी मेरी चल पड़ी है। ये है वंडरिंग जू का प्लांट, इसकी भी आप 4 इंच की टिप वाली कटिंग लेकर के और उसे किसी भी छोटे से प्लांटर के अंदर लगाकर बहुत सारी प्लांट्स बना सकते हो। टेंगल हर्ट, टेंगल हर्ट्स की भी आप छोटी से छोटी कटिंग, चाहे वो 2 इंच की भी हो या इसे सिर्फ काट करके आप मिट्टी पर भी डाल देंगे और दबाएंगे नहीं, तब भी ये अपनी एरियल रूट्स निकाल करके नया प्लांट बना लेगा। ये है मेरा येलो कैलेंचू का प्लांट, लास्ट ईयर आपने इसके अंदर फ्लावरिंग देखी थी और मैंने इस प्लांट की ढेरों कटिंग जो है वो छोटे छोटे से डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर इसके प्लांट लगाए हैं। ये देखिए, इसकी छोटी छोटी सी कटिंग्स मैंने लगाई ना, और ये सारी की सारी कटिंग्स मेरी जो हैं वो इसमें रूट डेवलप हो गई हैं और मेरे लिए न्यू प्लांट तैयार हो गए हैं और अब ये विंटर के अंदर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देने वाले हैं। तो आप इस तरह से कटिंग से ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं और अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं, अपने मिलने वाले अपने दोस्तों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लगा सकते हैं डायंथस की कटिंग, डायंथस की कटिंग भी आप टिप वाली कटिंग लें और उन्हें छोटे छोटे पॉट के अंदर 1 इंच के लगभग मिट्टी के अंदर दबाएँ और नई प्लांट तैयार करें। ये देखिए, मैंने कॉलेज के तो इतने सारे प्लांट जो हैं वो कटिंग के थ्रू ग्रो किए हैं। साथ ही मैं आपको बता रही हूँ मेरे सीड से ग्रो किए हुए नस्टर्शियम के प्लांट्स। देखिए गाइस, ये इस नर्सरी बैग के अंदर मैंने 5 सीड डाले थे और 5 के 5 ही मेरे उगाए थे, तो 2-3 तो अभी ये इसी के अंदर लगे हुए हैं और 2 को मैंने इस पॉट में शिफ्ट कर दिया है। ये है मेरा बेबी सनरोज का प्लांट और इसे भी आप कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग्स लगाई हैं और वो कटिंग्स तैयार होकर के उनमें फ्लावरिंग भी आने लग गई हैं। साथ ही गाइस, आप इस वक्त लगा सकते हैं हाइब्रिड कनेर की कटिंग। देखिए, ये मैंने नर्सरी बैग के अंदर ही कनेर की कटिंग लगाई है जो कि दोनों बहुत अच्छे से चल रही हैं। ये देखिए, ये मेरा सोनारूपा का प्लांट है। सोनारूपा भी इस वक्त इसका ग्रोइंग पीरियड है, तो आप इसकी भी 4-5 इंच की टिप वाली कटिंग लेकर के और इसे लगा सकते हैं और ये एक परमानेंट फ्लावर प्लांट है जो पूरे साल आपको फ्लावर्स देता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।